नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। वंशीधर नगर महिला थाना प्रभारी एमपी आम तिर्की ने मंगलवार को कुशडंड पंचायत भवन के सभागार महिलाओं के साथ बैठक की। इस मौके पर महिला थाना प्रभारी एमपी तिर्की ने कहा कि नशे के बढ़ते कारोबार, स्कूली विद्यार्थियों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, समाज में दहेज प्रथा व शराब पीने वाले व बनाने वाले के विरुद्ध महिलाओं को रोक लगाने के लिए जागरूक किया गया। महिला थाना प्रभारी ने कहा कि नशे ने समाज को खोखला कर दिया है। समाज में 10% आपराधिक वारदातों के पीछे का कारण नशा है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए हर नागरिक को सहयोग देना चाहिए। आज सड़क दुर्घटनाओं में युवा पीढ़ी सबसे अधिक शिकार हो रही है। महिला थाना प्रभारी एमपीएम तिर्की ने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को दोपहिया वाहन देने से पहले तमाम कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करें। जनता के सहयोग बिना पुलिस समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में सक्षम नहीं है। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने जिला में विशेष अभियान चलाया है। महिला थाना प्रभारी ने कहा कि आप लोग को जो भी परेशानी होगी तो मुझे जानकारी जरूर दें। और पहले तो थाना आने से डरते थे, लेकिन आप लोग बिंदास होकर आए और अपनी समस्या के बारे में जानकारी दें। समस्या का निष्पादन साथ ही किया जाएगा। इस मौके पर मुखिया रवि रंजन राम ने कहा कि पंचायत में जो भी कुरीतियां हैं उसे हम लोग सभी मिलकर निपटारा किया जाएगा। पंचायत के सभी सखी मंडल के महिलाओं को और सभी महिलाओं को आज पंचायत भवन में बुलाया गया। आज के मुख्य अतिथि थे हमारे थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी नगर उटारी। उसमें हम लोग डायन बिसाही, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, जौन शोषण, बाल विवाह, शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया और महिला से संबंधित सरकार से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और पंचायत को नशा मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके उपमुखिया नसीम अंसारी, वार्ड सदस्य बोहल सिंह खरवार, सईद अंसारी, रेशम देवी, दौलत सोनी देवी, लीलावती अर्चना देवी, सीमा देवी, सुनीता देवी, रीता देवी, शीला देवी, मैसूर बीबी, रिंकू देवी, अंजलि देवी, घनेश्वर देवी, रबीना बीबी, आसमा देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। धन्यवाद।